हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैंडी मोटिव। तो आज की वीडियो आपको पता चली गई कि किस टॉपिक पे है। तो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 10,000 किलोमीटर ओनर्स रिव्यू हमारी एक्सेस 125 के ऊपर। तो हमारी जो फ्री सर्विसिंग थी वो सभी कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मतलब पैसे कैसे बचा सकते हो गाड़ी को सही तरीके से इस्तेमाल करके। जो F1 एरर रहा था उसको भी हमने ठीक करवाया, और वो कैसे किया और क्या आपको नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, वो सब बताऊँगा। और उसके पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर तो बहुत ज़्यादा करना, ताकि बहुत सारे लोगों के पैसे मतलब बचाने हैं हमको। और मैं वीडियोस भी ऐसी टॉपिक पे लाता हूँ जिससे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है मतलब गाड़ियों में या कार्स में वो सॉल्व हो सके, और उसके पैसे उनके पैसे भी बच जाए। तो ऐसे टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाता हूँ। तो फिलहाल तो मैं अपनी एक्सेस पे वीडियो कर रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए बात करते हैं अभी मेन पॉइंट की जिसके ऊपर आज की वीडियो है। तो पहले आप गाड़ी का पोजीशन देखिए। मैंने गाड़ी मेन स्टैंड पे खड़ी की है, साइड स्टैंड पूरा फ्री है। जो F1 एरर आ रहा था उसका मतलब मेन रीज़न है कि आप जब भी गाड़ी साइड स्टैंड पे की ऑन करते हो तो सडनली पंप ऑन हो जाता है। गाड़ी के टैंक में फ्यूल कम रहता है, पंप ऑन हो जाता है, फिर में फ्यूल पंप से मतलब जाता नहीं है, सिर्फ एयर जाती है और पंप ख़राब हो जाता है। तो मैंने पहले ही गाड़ी मेन स्टैंड पे लगा दी है। अभी मैं बाइक की कीस ऑन करने वाला हूँ और आपको जो किलोमीटर्स है वो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, तो इंस्ट्रूमेंट कस्ट ऑन हो रहा है। ये देखिए, अभी मैंने टैंक फुल करवाई है और उसके बाद 9.8 किलोमीटर चली है गाड़ी। ये ट्री बे है। मैं हमेशा गाड़ी जो है वो ट्रिप्स पे चलाता हूँ, ट्री बे सेट करके। जब भी मैं फ्यूल टैंक फुल करता हूँ तो ट्री बे फिर से सेट करता हूँ, 200 किलोमीटर चलाता हूँ, फिर से ट्री बे सेट करता हूँ। मतलब 200 किलोमीटर चलाने के बाद मैं रिफ़िल करता हूँ और टैंक फुल करता हूँ। ऐसे मतलब 200-300 का फ्यूल नहीं डाला करता हूँ, पूरा टैंक फुल करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रिप भी है। तो यहाँ पर अभी हमको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि बैटरी, ये देखिए 12.4 आ गई वोल्टेज, तो ये भी सडनली बढ़ेगी। आपको कभी भी की ऑन करके नहीं रखनी है सडनली, मतलब वो जो पूरा 3-4 सेकेंड का सिस्टम मतलब चलने के बाद जो बंद होती है लाइट्स, उसके बाद सडनली आपको बाइक ऑन कर लेनी है इग्निशन। तो मैं आपको अभी किलोमीटर्स दिखा दूँ। ये देखिए 10,145 किलोमीटर्स बाइक चली है। तो 10,000 जो हमारी लास्ट सर्विसिंग थी वो भी मतलब फ्री की सर्विसिंग थी वो हो गई। तो बाइक ऑफ कर देता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। हमारी एक सर्विसिंग जो थी सेकंड वाली वो स्किप हो गई क्योंकि हमने जो सेकंड सर्विसिंग में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी सर्विसिंग करवाने की, वो मतलब हमने गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा चला ली तो वो सर्विसिंग हमारी स्किप हो गई। ये देखिए, ये फर्स्ट सर्विसिंग हो गई है 751,000 किलोमीटर्स की, और ये वाली जो सर्विसिंग है सेकंड सर्विसिंग 3,500-4,000 किलोमीटर्स, ये स्किप हो गई, इसलिए पेपर ऐसा ही है फोल्ड करके रखा है। उसके बाद हमारी थर्ड सर्विसिंग हो गई फ्री वाली 6,500-7,000 किलोमीटर्स की, ये भी हो गई है 6,670 किलोमीटर्स पे। और आज हमने करवाई है फोर्थ सर्विसिंग, वो की है किलोमीटर्स कवर्ड 9,975 किलोमीटर्स पर हमने सर्विसिंग करवाई है, और तब के बाद अराउंड 150 किलोमीटर्स गाड़ी फिर से चली है। तो फिफ्थ सर्विसिंग से शुरू होती है फिफ्थ पेड सर्विस कूपन। तो यहाँ पर भैया पैसे तो बहुत लगेंगे, तो इसको हम रख देते हैं अंदर। और एक ज़रूरी बात, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डोंट पुट एनी ऑब्जेक्ट ऑन दिस पार्ट, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा जो ऑटोमेटिक जो फ्यूल पम्प है इसके अंदर ही है, क्योंकि इसके नीचे टैंक है और टैंक का जो फ्यूल ओपनिंग है वो यहाँ पर है। सभी को ये बात ध्यान में रखनी होती है, और ये बात हमेशा मतलब इतना ध्यान में रखना कि साइड स्टैंड पे कभी भी कीज ऑन मत कर देना, क्योंकि सडनली पंप ऑन हो जाता है और उसमें फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर इंजन में जाना होता है। पर ड्यू टू दी लो अमाउंट ऑफ फ्यूल इन दी टैंक सिर्फ एयर जाती है, और ये मल्टीपल टाइम करने से आपका पंप ख़राब हो जाता है। फिलहाल हमको तो ये वारंटी पे मतलब रिप्लेस करके मिला था तो फ्री हो गया, पर अगर आपकी वारंटी ख़त्म होगी एक साल की तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, और उसका चार्जेस अराउंड है 4,500-6,000 तक का पूरा सर्विस चार्ज पकड़ के। अप्रोक्सीमेटली इतना आता है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मैंने सुना था इतना आता है। तो आप लगा लो, मतलब अगर आपका मतलब एक साल हो गया गाड़ी को तो आपको किस तरह से गाड़ी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे टायर प्रेशर कितना रखना है उसकी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सिंगल राइड करते हो तो 22 और 29 रखना है, पीछे के टायर में 29, फ्रंट टायर में 22। पिलियन राइडर अगर होता है तो 22 फ्रंट टायर सेम हो, और पीछे के टायर में 36 रखना होता है। ये देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको आपकी टायर्स में टायर प्रेशर जो रखना होता है लाइक 22-36, अगर पिलियन राइडर होता है 36 रखना है पीछे के टायर में, आगे के टायर में 22 रखना होता है PSI प्रेशर। तो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप जब प्लेन रोड पे गाड़ी चलाते हो और आपको अगर माइलेज जो है वो सही देनी चाहिए गाड़ी ने आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो प्रेशर भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं वो मेंटेन करता हूँ, मेरी गाड़ी की माइलेज अराउंड आती है अगर इकोनॉमी पे चलाऊँ। मैंने उस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया था, यूट्यूब शॉर्ट्स,
तो वो माइलेज आई थी अराउंड 62 किलोमीटर्स पर लीटर की। और अगर मैं हाई स्पीड पे चला हूँ लाइक 70, 80, 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, तो आज मैंने वो भी ट्राई किया तो वो माइलेज आ रही है अराउंड 48 to 49 किलोमीटर्स पर लीटर की, मतलब अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स का डिफरेंस आ रहा है इकोनॉमी मोड और जो हाई स्पीड मोड है उस पर। और मैं और एक शॉर्ट्स अपलोड करने वाला हूँ, आप शॉर्ट्स ज़रूर देखना। उसमें मेरी बाइक की स्पीड है अराउंड 85 to 90 किलोमीटर्स पर आवर की, लेकिन वहाँ पर तब भी इकोनॉमी लाइट ऑन होती थी। उसका रीज़न ये है कि मैं बाइक चला रहा था एकदम प्लेन सड़क पे, मतलब एकदम प्लेन रोड था, किधर भी ऊपर नीचे नहीं था, और स्पीड थी 85, 86, 87, 89, 90, ये फ्लक्चुएट हो रहा था, और इकोनॉमी मोड ऑन ऑफ हो रहा था। मतलब मिनिमल एक्सेलरेशन लगता है, मिनिमल पावर लगती है, और एक बार आपकी जो गाड़ी अगर वेलोसिटी पकड़ ले, स्पीड पकड़ ले, तो आपका जो इकोनॉमी मोड है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसका मतलब मैंने जो पहले कहा था कि आप अगर प्लेन सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो आपकी बाइक जो है वो मैक्सिमम माइलेज भी देगी। तो 10,000 ओनरशिप रिव्यू जो है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है गाड़ी के साथ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिलहाल वो जो फ्यूल पम्प ख़राब हुआ था वो भी मतलब हमारी मतलब थोड़ी सी गलती की वजह से हुआ, जो हमको पता नहीं था कि साइड स्टैंड पे जब गाड़ी होती थी फ्यूल जो है टैंक में वो एक साइड में चला जाता है, और जो फ्यूल जो पम्प डीप होता है वो जो डीप होता है वहाँ पर फ्यूल मतलब रहता नहीं। तो मैंने अभी तभी से शुरू किया कि मैं किलोमीटर्स पे गाड़ी चलाऊंगा। एक्चुअली एक बार फुल करने के बाद एक गाड़ी एक्सेस अराउंड 250 किलोमीटर से जाती है, पर मैं सिर्फ 200 किलोमीटर चलाता हूँ और उसको रिफ़िल करता हूँ, फिर से ट्रिप पे सेट करता हूँ जीरो पे, और फिर से 200 किलोमीटर चलाता हूँ, फिर से रिफ़िल करता हूँ। तो यही मैं कंटिन्यू करता हूँ, और ये मैं अराउंड अभी जब से हमने फ्यूल पम्प बदला है तब से मैं ये सेम कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो तभी से गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज भी सही है। आज हमने फिर से ऑयल भी चेंज की है, और नेक्स्ट सर्विसिंग हमारी होने वाली है आफ्टर 2500 किलोमीटर्स। अभी चली है गाड़ी 10,175 किलोमीटर्स, तो इसके बाद 2500 किलोमीटर्स चलेगी अराउंड 12,600 गाड़ी चलेगी। तो मैं फिर से उसको सर्विसिंग के लिए लेके जाऊंगा ऑयल वगैरह चेंज करवाने के लिए। और एक बात, 10,000 किलोमीटर्स पे हमने किक ग्रीसिंग की है, जो किक ग्रीसिंग यहाँ पर है वो हमने की है। उसके बाद हमने एयर फिल्टर चेंज करवाया है, और चार्जेस भी उसके कुछ ज़्यादा नहीं आए हैं। मतलब जो फ्री सर्विसिंग थी तो उन्होंने सिर्फ जो पार्ट्स लगते हैं उनको उसका मतलब पैसा चार्ज किया है उन्होंने, मतलब लेबर चार्ज कुछ भी नहीं किया है। तो फिल्टर चेंज करवाया, किक ग्रीसिंग करवाई, ऑयल डाल दिया, और यहाँ वहाँ मतलब कोई वॉशिंग वगैरह की है गाड़ी की, थोड़ी सी मतलब चमक रही है गाड़ी अभी, तो उसका चार्जेस उन्होंने ले लिया 1,010 रुपीज़। तो मतलब अभी देखेंगे अगली जो सर्विसिंग आएगी 2500 किलोमीटर्स के बाद, तो उस टाइम पे मतलब कितना पैसा चार्ज करते हैं, तभी मतलब समझ आएगा कि सुजुकी एक्सेस की सर्विसिंग महंगी पड़ती है कि सस्ती पड़ती है वो। फिलहाल गाड़ी को आप देख सकते हैं, तो इस साइड का मतलब व्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक्चुअली इस साइड में गाड़ी गिरी थी तो ये वाला पार्ट हमने कलर करवाया था, लेकिन वो जो हमारा मतलब पेंट करवाया वो मतलब इतना उन्होंने मैच किया है कि समझ नहीं आ रहा है। बस रात के टाइम पे थोड़ा सा समझ आता है, क्योंकि लाइट जब मतलब पड़ती है इस पर, तो इस पर जो ग्लिटर है वो मतलब डिफरेंस दिखाता है, यहाँ पर मतलब ग्लिटर थोड़ा सा कम है जो हमने रिपेंट करवाया है। तो इस साइड में उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा लगा हुआ है तो यहाँ पर रस्ट भी होना शुरू हो गया, इसके लिए मतलब हमको कुछ करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रनिंग लाइन है ये भी आप देख सकते हैं, एकदम क्लियर है रनिंग लाइन, किधर भी मतलब स्क्रैचेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस साइड में आते हैं, तो ये भी पार्ट हमने कलर करवाया है, ये भी मतलब पूरा मैच हो रहा है, उतना मतलब डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो फ्रंट साइड की बात करें तो मैं इसको ऐसे टर्न कर लेता हूँ, जब बाइक गिरी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा लगा था इस वाले क्रोम पार्ट पे और इस वाले क्रोम पार्ट पे, ये तो बस स्टैंड से गिरी थी, मतलब ज़रा सी नीचे आ गई स्टैंड से, लगा नहीं स्टैंड, और ये थोड़ी सी लाइटली गिर गई थी। अदरवाइज़ बाइक में आप देख सकते हैं कुछ भी मतलब स्क्रैचेस नहीं है। ये देखिए, ये मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, ये तो बस मतलब डर्ट है थोड़ा सा, देखिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप अगर सही से बाइक इस्तेमाल करो तो आपकी बाइक मतलब एकदम चमचमाती रहेगी, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। यहाँ की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है देखिए, और एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, पूरा मतलब फंक्शनल है, कुछ भी इशू नहीं है। मैंने इस पर सिर्फ एक फिल्म लगाई है ताकि रात में जब मैं राइड करता हूँ तो उसकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो कम हो, और जो ब्राइटनेस आती है आँखों पे वो ना पड़े, क्योंकि वो जब आँखों पे पड़ती है तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है राइड करने में रात को, क्योंकि आपको आगे का जो मतलब व्यू है वो देखने में थोड़ा सा थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, इसलिए मैंने वो लगाई है। तो वो आपको 30-40 रुपीज़ में किसी भी मतलब कार डेको शॉप में मिल जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट में, मैंने जो शॉर्ट्स डाला है उसमें बहुत से लोग पूछते हैं, तो वो आपको 30-40 रुपीज़ में बिल्कुल वो मतलब इंस्टॉल करके मिलेगी, और कुछ नहीं है। बस पीछे से देख लीजिए बाइक को, ऐसा है वो। तो 10,000 किलोमीटर्स का ओनरशिप रिव्यू मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है।
कुछ उतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इशू भी नहीं है, तो बाइक भी बहुत अच्छी है। के पास आऊँगा अगर आप भी सुजुकी एक्सेस 125 स्पेशल एडिशन ओन करते हैं, चाहे वो 2021 मॉडल हो या 2022 मॉडल हो, जिसमें जो एक्सेस जो बैजिंग एक्सेस की वो चेंज की गई है सिर्फ, और कुछ चेंजेस नहीं है, तो मेजर चेंजेस वही है। तो अगर आप भी ओन करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करने से मतलब नॉलेज भी शेयर होती है। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने मेरे नॉलेज तो आपके साथ शेयर किया, चाहे फोन एरर का था या और कुछ जो भी मैंने शेयर किया वो है। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप और कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सुजुकी एक्सेस में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी थोड़ा सा रिसर्च करूँगा और वो उसका भी आपको सोल्यूशन भी दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।